साल के हो आप? 12 साल के हो, स्कूल जाते हो? क्या क्या लगा रखा है आपने? क्या क्या दे रहे हो? के 25 सजावट के लिए सुंदर सुंदर ये मालाएं घंटियां ये लगी हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लगी हैं और ये सब बेचने के लिए हैं। कंडील लगे हैं जो शुभ माने जाते हैं, कहते हैं कि कंडील लगाने से परिवार के अंदर एक सुरक्षा होती है। झाड़ू का क्या महत्व है? नमस्कार, आज हम आए हैं धनतेरस के अवसर पर झंडे जी मेले में। हम देखते हैं जानते हैं आज के सब लोगों से कुछ विचार करते हैं धनतेरस के बारे में। ये आप हमेशा यही लगाते हैं या लड़ी लगाते हैं हमेशा? नहीं, मैं ये इसी साल बेचता हूँ, फिर मैं बैंड बजाता हूँ शादियों में। बैंड बजाते हो? जी हाँ। हर पूरे साल? हाँ, शादी का अब 23 तारीख से बुकने स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, दीपावली के बाद। हाँ, फिर मैं बैंड ही बजाता हूँ, मेरा खुद का ही बैंड। अच्छा, तो अब खाली था तो मैंने कहा चलो इसको बना रखा है, कुछ पैसा पैदा होगा, खाली रहने से तो पेट नहीं पलाएगा ना। हाँ, हाँ। तो इसलिए मैं इसको लेकर के आया, 50 रुपये जोड़ा, 30 रुपये जोड़ा ऐसा ही बिक रहा है, कोई 40 रुपये जोड़ा। चलिए, कुछ फायदा होगा ना? हाँ, होगा, भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल। धन्यवाद। अब आप देखिए, ये इरशाद भाई आम काम करते हैं, बरेली से आए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी मेहनत है और भोलेनाथ की कृपा से ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इनकम कुछ ना कुछ फायदा होगा। अच्छा, हर साल लगाते हैं या इस साल? हर साल लगाते हैं। अच्छा, हमारी परमानेंट दुकान भी लगती है ना? कहाँ पर है परमानेंट दुकान? यहीं पे लगती है। अच्छा, ये परमानेंट दुकान भी है? अच्छा, हमारा मेहंदी का काम है, अमित मेहंदी आर्ट, मेहंदी का काम भी। अच्छा, और इसमें इस साल की अपेक्षा पिछले साल में क्या अंतर है? कम है बहुत। इस साल बहुत कम है? बहुत कम, क्योंकि भीड़ नहीं दिख रही है। हाँ, मैं पिछली बार काफ़ी भीड़ थी। हाँ, और माल भी काफ़ी बिक रहा था। तो जैसे माल लाते हो तो बच जाते हो, उसका क्या करोगे? फिर रखते हैं, फिर उसमें डाल के अगले साल और डाल के और बेच देते हैं। बहुत नुकसान होता होगा ऐसा? तो नुकसान तो होता ही है, वापिस तो कोई जाता नहीं है वहाँ। आप यही लोकल हैं, बाहर के हैं? जी, लोकल ही है। लोकल ही है। चलिए, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पंखी बेच रहे हैं और इनसे कुछ हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक, कहाँ से आए हो? गाँव श्रीनगर, जिला हथरस, तहसील सिकंदरा, बैंक। देखिए, वो आपके आप हैं? गाँव श्रीनगर, जिला हथरस, तहसील सिकंदरा, बैंक बहुत थाना सहन। ये कहाँ से लाते हो? आगरा। आगरा से? क्या मोर को मार करके लाते हो या कैसे करते हैं? खरीद के लेके आते हैं। तो वो कहाँ से इतने सारे जो मैं देख रहा हूँ बाजार में बहुत सारे बिकते हैं, वो कहाँ से करते हैं? फेरी से वो खरीदते हैं, गाँव गाँव से खरीदते हैं। अच्छा, गाँव उधर उनके साइकिलों से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। कुछ जैसे आप ये आप कर रहे हो, कब तक यहाँ पे होंगे? दीपावली तक। दीपावली तक कुछ फ़ायदा होता है इस बार या हर बार आते हो? हर बार आते हैं, धनतेरस पे हर एक पाते। तो हर पर ये कितने का बिकता है? ये वाला जाता 10 का, बड़ा वाला 20 का। बड़े वाले 20 का। अच्छा, चलिए, आपकी अच्छी इनकम हो। अब हर साल यही चीज़ बेचते हो या और कुछ भी चीज़ बेचते हो? और भी हम चीज़ बेचते हैं। जैसे क्या बेचते हो? अपना काम भी अपना कर लेते हैं, कपड़े कपड़े ने का। कपड़े काम करते हो? दिवाली के मौसम पर ये काम करते हो? माला पाला बेचते हैं कुछ बंदे हमारे। दिवाली पर माला बहुत शुभ होती है, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सबको फूलों की माला पहनाते हैं और ये सब यहाँ खड़े हैं और फूलों की माला, ये बहुत शुभ का कार्य है। आप यहाँ कब से काम करती हैं? मेरे को काफ़ी साल हो गए, मैं शादी से पहले से यहीं काम करती हूँ। आप यहीं लोकल हैं? हाँ, मैं यहीं सहारनपुर चौक पे ही रहती हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? अपूर्वा गर्ग। अपूर्वा गर्ग। अपूर्वा जी, ये जो कार्य करती हैं, इससे कुछ फ़ायदा होता है या यही है? थोड़ा बहुत बचत हो जाती है, लेकिन एक है ना त्यौहार में कुछ अपना कर लें, अच्छा लगता है। केवल त्यौहार में करती है या और कुछ भी करती है? वैसे मैं जॉब करती हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं ना डेंटिस्ट के यहाँ क्लिनिक में जॉब करती हूँ। कहाँ पर? ये है नी कमल मार्केट में। हाँ, वहाँ पर। चलिए, अच्छी बात है, आप यहाँ पर ये फूल माला बेचती हैं और फूल माला से बड़ा फायदा होता है। 30 रुपये एक। ये ना फूल माला शुभ भी होती है और इसके कारण ना हम टच करते हैं ना तो हमें लगता है सारे भगवानों को हमने पूज लिया। आप इस माला का क्या करेंगी? आप पूजा में रखेंगे अपनी। इसका क्या क्या आपको क्या क्या लगता है कि इसका क्या महत्व है? क्या महत्व? हमारे पुरुषों का आशीर्वाद है, हमारी देवी देवता का आशीर्वाद है, इसमें हम पहले इसको पूजते हैं। गणेश जी अगर हमारे घर में आते हैं तो मानते हैं कि
माता लक्ष्मी और गणेश जी का हमारे घर में शुभ होता है और ये संकट सब समाप्त हो जाते हैं। देखिए ये लगा रखा है इन्होंने, इन बच्चों ने, और बच्चे बैठे हैं ये दीपावली के अवसर पर। ये खूब सारी माता लक्ष्मी ये अपने घर में कैलेंडर लगाते हैं और कैलेंडर लगाने के बाद बहुत शुभ होता है इनका। लोग अपने घर देखिए ये शुभ है, ये बहन जी अपने घर से ये झाड़ू ले आई, झाड़ू लक्ष्मी जो है बहुत शुभ होता है। ये घर में एक धनवंतरी होती है, झाड़ू लगाने से लक्ष्मी का वास होता है घर में। माता जी कहाँ से आए आप? जटिया मोहल्ले से। हाँ जी, आप यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं? खरीदारी करने आए हैं दिवाली को माता रानी को, धनतेरस की। आप ये झाड़ू क्यों खरीदते हैं आप? ये तो जरूरी है। क्यों? ये जरूरी है धनतेरस को खरीदना झाड़ू। हाँ, ऐसा क्यों? बरकत होती है इससे। इसे बरकत होती है? हाँ, लक्ष्मी माता मगन हो जाती है। हाँ। आप हर साल झाड़ू खरीदते हैं या इस बार? हाँ जी, हर साल खरीदते हैं। साल के साल खरीदते हैं। ये देखिए दुकानदार है, आप हर साल लगाते हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो आ गया। हाँ जी, हर साल लगाते हैं। हाँ जी। तो इस साल भी लगाए हैं? हाँ जी। तो कुछ अंतर है? नहीं। ये टोकरी किस लिए बेचते हैं? ये टोकरी छठ पूजा के लिए बेचते हैं। अच्छा, छठ पूजा के लिए। उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी? हाँ जी, उन्होंने अभी की कर रखी। तो उसके ग्राहक अभी से आते हैं या बाद में, दीपावली के बाद आएंगे? बाद में आएंगे। बाद में आएंगे। ये कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे लोग बातचीत करते हैं, लोग खरीद रहे हैं। ये सामने चलते हैं इनके पास कुछ। इनके देखिए ये सुंदर ये बना रखा है। ये हाथों के बने हैं? नहीं सर, हैंडमेड ये वाली होती है। कौन सी? ये जितनी भी आइटम है ये हैंडमेड और कलकत्ता की आइटम है, जितनी डेकोरेट वाली है। ये हैंडमेड, ये सारी हैंडमेड है? ये हैंडमेड मूर्ति होती है, पूरा डेकोरेट किया हुआ है इसे। हाँ हाँ। और ये कलकत्ता से आती है? ये कलकत्ता से आती है। प्योर मिट्टी की आइटम है। अच्छा, प्योर मिट्टी की आइटम। ये सारे हाथ से बनाए गए हैं। ये होती है पीओपी होती है, ये सांचे से बनी हुई होती है। ये सांचे से बनी होती है। अच्छा, पूजा में जो है महत्व जो है मिट्टी का ही है। तो इस बार जो है रेट में भी कुछ फर्क आया है क्या? थोड़ा सा ऊपर नीचे फर्क है भैया, कार्टेज वगैरह ट्रांसपोर्ट महंगी पड़ती है। हाँ। इस करके रेट जो है पिछले, मतलब आप ये समझते हैं 10-20% जो है मतलब जो पिछले 100 रुपये चीज थी 125 ही तो है ही। हाथ से बनाए हुए कलाकार से सारे आपके पास? ये सब हाथों से ही है सर, कलर वगैरह जो होता है हाथों से ही किया हुआ है। तो आप ऐसा लोकल ही होंगे? जी, मैं लोकल हूँ। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और प्रशासन से कुछ आपको सुविधा या कुछ तंग करते हैं प्रशासन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रशासन बहुत हेल्पफुल है इस समय तो, मतलब जिस तरह से हमने लगा रखा है, लेकिन ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वैसे भी हमने बहुत तरीके से लगा रखा है, ज़्यादा यूँ भी नहीं कर सकते, हमने अतिक्रमण कर रखा है तो कुछ सेफ साइज में लगा रखा है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा है या कम है? पिछले साल तो आपका कोरोना भी आ गया था और सारी दिक्कत। उसके हिसाब से तो मार्केट तो पिछले साल से ऊपर ही है, लेकिन मार्केट में कहते हैं करने वाले ज़्यादा हो गए, काउंटर ज़्यादा हो गए, इससे सेल पे थोड़ा फर्क दिखाई देता है। बिकती है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और दीवे भी बिकते हैं, गुल्लक भी बिकती है, आज के दिन झाड़ूआ भी बिकती है। झाड़ू का क्या महत्व है? ये कहते हैं लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी जी के उससे लेते हैं झाड़ू, तो आज धनतेरस के उसमें लेना चाहिए। अच्छा, इसका बहुत पुराना कोई महत्व है या कोई ऐसा? नहीं, है तो पुराना ही, मगर पहले इतना कम था, अब ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया, ऐसा क्यों? ज़्यादा क्यों आप कैसे? ये तो अब ऐसा ही है, हम फोन पे देखते रहते हैं। हाँ। मतलब पहले जानकारी का अभाव जो था। हाँ, पहले था। हाँ। अब जाने का, अब जानकारी अब ज़्यादा है कुछ है जी। स्टॉल में क्या क्या है? हमारे स्टॉल में गुल्लक हैं, दीवे हैं, छोटे दीवे हैं, बड़े दीवे हैं, झाड़ू हैं। और ये पब्लिक से सही मिल रहा है आपको? अभी तो आज तो आज ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा चल लिया है, अब चलेगा, शाम तक चलेगा ही। अभी तो थोड़ा थोड़ा चल लिया। कितने साल के हो आप? 12 साल के हो। स्कूल जाते हो? क्या क्या लगा रखा है आपने? ये कैलेंडर है, बत्ती है। हम भी आ गए। आज क्या क्या दे रहे हो? क्या क्या, कितने कितने के दे रहे हो? दिए 20 के 25 है। 20 के 25? कुछ इनकम हुई है? कुछ हुआ, बिक्री हुई कुछ? अच्छा, चलिए भाई जी।
Thank you.